भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ऑटोकैड में का जो फाइल होता है हायर वर्जन, जैसे कि 17, 19, 18 या फिर जो भी वर्जन है, उसको लो वर्जन में कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, अलग अलग नेट पे जाके अलग अलग तरीके से करते हैं और वो प्रॉपर वे से कन्वर्जन नहीं होता, लेयर टूट जाता है और बाकी से हमारे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे इजी टूल्स बताता हूँ। उसके लिए आपको ऑटोकैड का व्यूअर डाउनलोड करना है। सिर्फ ऑटोकैड आपको ऑटोकैड का मैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ऑटोकैड व्यूअर डाउनलोड कर सकते हैं और ऑटोकैड व्यूअर से आप ऑटोकैड में व्यू भी कर सकते हैं और आपको जो चाहिए उस लोअर वर्जन में अपने फाइल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक फाइल लिया हुआ है और फाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऑटोकैड का ये फाइल्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा हायर वर्जन के फॉर्मेट में सिर्फ ऑटोकैड का, तो मैं सबसे पहले ऑटोकैड 2010 है मेरे पास और मेरे पास जो ड्राइंग है वो अभी लेटेस्ट वर्जन की ड्राइंग से। तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ मुझे एक एरर मैसेज के साथ ये अपना बंद हो जाता है। तो मैं यहाँ पे DWG व्यूअर्स को, ड्राइंग्स के जो व्यूअर्स है वहां पे इसको 2018 का है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जहां मुझे कन्वर्जन भी होता है और मैं पहले के फाइल्स में व्यू भी कर सकता हूँ। इससे अपने को बेनिफिट क्या होता है, ये बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन के मशीन्स में आ जाता है और अपने पास जितने भी मतलब है, आपके पास यदि लेटेस्ट वर्जन के नहीं है कंप्यूटर्स तो भी आप यूज कर सकते हैं ऑटोकैड व्यू, जहाँ से भी यूज। और इसको सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट में जाइए और यहाँ पे आपने ड्रॉइंग्स ऐड कर सकते हैं, चाहो तो आप मल्टीपल ड्रॉइंग्स भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको लगता है एक साथ मल्टीपल कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल भी ले सकते हैं। इसको आप ओपन लीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ये टूल्स कन्वर्जन में। हमने कन्वर्जन का आप सेटअप देखिए, कौन से आपको कन्वर्जन करना है और किस फॉर्मेट में और कहाँ पे आपको रखना है। आप सेम फाइल को रख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस में आप चाहो तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कन्वर्जन बोल के एक फाइल फोल्डर ही बना लिया, कन्वर्जन फाइल सेटअप बोल के, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर्स में मैं यहाँ पे इसको रखूंगा। और किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, तो मैंने यहाँ पे जिप के फॉर्मेट में दिया है कि आपका जो मेरा डाउनलोड होगा वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और यहाँ पे कन्वर्ट बोल देता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद फिर से मुझे पूछ रहा है, तो मैं सेम वहाँ पे लोकेशन को फिर से यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर का लोकेशन मैं इसको मैं सेव कर दूंगा। ये मैंने जिप सेटअप किया इसलिए जिप में होगा, आप यदि कैड के वर्जन में करना चाहते हो तो कैड में दे दीजिए, कैड में हो जाएगा ये कन्वर्ट। अभी यहाँ पे इसको खाली मुझे कन्वर्ट पे क्लिक करना है, ये ड्रॉइंग्स कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम देखेंगे अभी यहाँ पे जो मेरा कन्वर्जन हुआ कि नहीं, और मैं इसको खोल के भी देखूंगा जो मेरा ये कन्वर्जन प्रॉपर वे से हुआ कि नहीं और हमारा वर्जन में खुल रहा है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, पहले मेरा ये एक्सट्रैक्ट हो गया ड्रॉइंग्स, यहाँ पे ये फाइल्स को मैं अभी 2010 में खोल रहा हूँ। ये 2018 का फाइल था जिसको मैं 2010 में अभी ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको फाइल्स को ओपन करूंगा, ये पहले 2000 लेटेस्ट वर्जन में ओपन नहीं हो रहा था बट अभी ये ओपन होना चालू हो गया, जिसको मैंने अभी कन्वर्जन करके रख लिया। बहुत ही इजी प्रोसेस है जहां से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।